बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और मैं सूरजराज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र यहाँ बात करने वाले हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर की। और यहाँ जो आपको पता होगा जो BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हम आपको दिखा रहे हैं ये केमिस्ट्री का पेपर है और ये MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का है। और बरेली का ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हम आपको अपलोड कर रहे हैं। और आप सभी छात्रों से स्टूडेंटों से दोस्तों से अनुरोध है कि आप जो भी पेपर हुआ करें आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327878 इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत हमें सारे के सारे पेपरों के फोटो खींचकर सेंड किया करें। सारे फोटो खींचकर सेंड करेंगे, कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना है। और मैं सभी को बताने चाह रहा हूँ कि जो जितने भी हम पेपर आपको अपलोड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सारे के सारे लिंक, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। paperhacker.in सर्च करेंगे वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएंगे सारे। और नोट्स का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो छात्र हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहता है वो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। 2023 और 2024 2025 की यदि आप पेपर देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 का पेपर है। आप 2023 का पेपर देने वाले हैं तो 2022 का जरूर देख लेना, 2024 का पेपर देने वाले हैं तो भी 22 का पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से हमें यह क्लियर हो जाता है कि कितने क्वेश्चन हमारे लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर को अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारा ये पेपर का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये 75 नंबर का पेपर बनता है, 3 घंटे में सोल्यूशन करना होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी 5 क्वेश्चन। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वहीं लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन करना है, लगभग में 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। तो मैं पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ शॉर्ट यहाँ बोला गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इन क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, यहां अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। यहां बोला अटेंट ऑल कह रहा है 5 क्वेश्चंस, ठीक है, इट्स शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ आपको 5 मतलब कह रहा है 3 नंबर का, आपको 5 क्वेश्चन करेंगे तो 3 नंबर के हिसाब से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नीचे यहां बात करने वाले सभी 5 क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक का है। अब यहाँ पे यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ जो बोला गया है हाउ कैन, अभी मैं यहाँ बोला गया हूँ इंटोनेगेटिविटी के बारे में, यहाँ आपसे बोला गया है ध्यान से रखना, मैंने आपसे जो क्वेश्चन बोला था यहाँ बोला गया है विद्युत जो ऋणात्मक होती है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखो आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं और सहसंयोजक जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड जो होते हैं और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंबंध को आयनिक बॉन्ड अलग होते हैं, इनके बीच में अंतर आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा गया है विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपको पता है विद्युत ऋणात्मकता के पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन पूरा 3 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो यह कह रहा है 6 लड़कियां 5 लड़कों की एक कक्षा में, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक टीम के ऊपर है, उसको चुनाव करना है, चुना जा सकता है। तो वहां ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कोई हमको इंपोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन आप 2022-23 का पेपर देने वाले हो तो जरूर देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे बने हैं, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। यहां बोला गया है ध्यान से देखिए, यहां बोला गया है काबिल से आप क्या समझते हैं, तो कार्बन क्या होता है, उनके संरचना सीमेंट और ट्रिप्सिन कार्बन की संरचना के बारे में आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन देख के जाना है, आगे से क्वेश्चन को देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमसे निम्नलिखित में से आपको जैसे कि MICR क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, तो इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको बोला गया है। यहां देखो हीमोलिटिक और हीमो कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक जो बॉन्ड होते हैं उनके विखंडन जो होता है उसका उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। हीमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक जो होता है उनके जो बॉन्ड होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के बना। अब वहीं बात करने वाले हैं आपके 5 क्वेश्चन, देखो वेरी शॉर्ट में हो चुके हैं आपको, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। वहीं बात करें सेक्शन नंबर बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनाए आप देख सकते हैं, 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ आंसर देने होंगे। यहां आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। यहां बोला गया है देखो RS विन्यास पर आपको
आधार पर बताना है, इसको आरएस विन्यास कैसे होता है वो आपको बताना है इसका। और वही बात करें जो ई जे ई जेड विन्यास के आधार पर आपको इसको बताना है, ई जेड जो विन्यास होता है इसके आपके आधार पर इसको एक्सप्लेन करना था। वहीं आपको साथ में का जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दे रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है समझाइए कि एफ इलेक्ट्रॉन बंधुता सी एल से कम क्यों होती है, ये आपको समझाने के लिए बोला गया। ये बात सही है, हार्ड काफी पेपर आपका बन रहा है ये मैं क्लियर कह सकता हूँ, काफी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से थोड़े से बाहर निकल रहे हैं। वही बात की जाए यहाँ बोला है उदाहरण, यहाँ कह रहा है उदाहरण और यहाँ बोला गया है उदाहरणों और आरेखों के आधार पर सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझाइए। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, ये पूरा देख सकते हैं फंस चुका है। और इसके नीचे वाला देखो फैजान के नियम की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूरा फंसा है जो हमने इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पूरे फंस चुके हैं, अब बात करने वाले हैं हम यहाँ बात करने वाले आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवें क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ठीक है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये भी फंस चुका है। आवेश स्थानांतरण संकरण क्या होता है ये देख सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है इसके लिए इंपोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन आप आगे से इन क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार देख के जाएंगे, जो भी 2023 में और 2024 में जो पेपर देने वाले हैं वो जरूर देख के जाएंगे। यह कह रहा है देखो इसको भी आप यौगिक को जरूर देख के जाना है, कंपाउंड को जिसे हम इंक्लूजन कंपाउंड बोलते हैं यौगिक बोलते हैं, तो इसको आप याद करके जाइएगा। चलो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो देख लीजिएगा। यहां कह रहा है आपको ध्यान दीजिए 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन आपको करने होंगे और आपको टोटल 45 नंबर के होंगे। यहां देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा 15 नंबर का फंसा है। आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ठीक है, और sp1 sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के संकरण के उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आपके नीचे वाला कर सकते हैं, sn1 और sn2 रिएक्शन जो होता है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में ये देखो नाभिक स्नायु से क्या समझते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट दिया वही क्वेश्चन आया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां कह रहा है SPDF जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके तत्व कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित आपको गुणधर्म के बारे में आपको बताना है। वहीं आप इसके अथवाले क्वेश्चन की यदि बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ आपसे पूछा पूछा गया आज पे ये बोला गया कार्बल्स यौगिक के द्वारा जो आपके कार्बल्स यौगिक होते हैं उनके द्वारा जो मैसोमेरिक इफेक्ट होता है उसके गुणों को आपको बताना है उदाहरण सहित आपको, तो मैसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हमसे यहाँ क्वेश्चन बना है। वहीं बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो कार्बन यहाँ कह रहा है कार्बन जो अभिक्रिया होती हैं कि क्रिया विधि को के दिन पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के मध्यवर्तियां होती हैं उनके विस्तार में आपको समझाना है। यदि इसका ये क्वेश्चन इसके अथवा वाली की बात करें तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपसे पूछा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से आपको NO2 और O2 ठीक है ऑक्सीजन के बारे में, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और O2 के बारे में बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो अणु के संदर्भ में आपसे पूछना था। तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन, 30 नंबर का तो ये बन चुका है आप देख सकते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन था, तो लगभग में हमारा जो क्वेश्चन पेपर बना है वो 50% तो बना है, बिल्कुल कह सकते हैं कि 50% फंसा है, क्योंकि यहां देखिए बात करें तो ये क्वेश्चन पूरा पेपर चेंज बना रहा है, कहां से ये क्वेश्चन उठा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सहायता करनी है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जाना एग्जाम आगे भी थोड़ी सी ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि 2023 और 2024 2025 वाले जितने स्टूडेंट हैं ये प्रवेश दिन का पेपर जरूर देख के जाए ताकि आपको अच्छा रहे। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेपर जो भी आपका होता है मुझे आप फोटो खींच के भेजेंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7037 3278 और 38 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर तुरंत मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।